मेरे YouTube चैनल में तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक है। तो दुआ करना है कि तमाम बहन भाई जितने भी उनके ठीक ठाक होंगे, घर आफियत नाल होंगे। सुबह का नाश्ता अभी बना रहे हैं क्योंकि बच्चों ने अब स्कूल जाना, स्कूल खुल जाने, अब स्कूल का पहला दिन है। तो चाय जो है ना उन्होंने तैयार करके रख दी है। नाश्ता जो है ना हूँ मैं बना रही हूँ, जो कुछ जल्दी थी इस वजह तो थोड़ा जहाँ लेट खिलीप लिया। तो माशाल्लाह नाश्ता जो है ना वो भी साडा तैयार हो गया। रावल जो उसकी वर्दी तो हले तक नहीं ली गई क्योंकि अगले स्कूल में हटा लिया सी, किताबा लै लिया सी लेकिन वर्दी नहीं ली गई सी। तो देखने कोई वर्दी का हिसाब किताब लगता है क्योंकि हाले तक तो हालात काफ़ी कमजोर जा रहे हैं। तो अभी काम पर भी जाना है। घर का जो काम वगैरह ना कर लिया से, नाश्ता करा के बच्चों ने स्कूल भेज दिता से, लेकिन हूँ उन्होंने बुलाया है कोई काम में। देखने अगे जाके की काम करना है की नहीं करना, क्योंकि तो फिर उत्थे जाके पता चलेगा। क्या कॉल मेरी सिस्टर ने की है कि तुम आ जाओ तो कोई ना काम है तो वो आप कर लें रल मिल के नाल उन्होंने कोई काम करवाने। बिलावल के अबू भी आ रहे हैं तो बिलावल जो है वह भी पिछे ही आ जाएगा। असी दोनों चलने तो उस तो बाद फिर बच्चे पिछे आ जाएंगे तो कोई काम वगैरह करवा लेंगे ना। आ जाओ चलिए आप। हाँ जी, तो तिलों के पहुंचे आए हाँ। असं तिलों की छंगाई अज करनी है। इनके जो तिल ने वो सारे काट लेने ने। वेखो तुम तरीका भी दिखाने कि तिल असं किस तरह कटते पे हाँ। धुप भी बहुत ज्यादा तो भाई और को पूछो भी गर्मी कितनी है। गर्मी है कि कोई नहीं? धुप बहुत ज्यादा है, गर्मी बड़ी है। मैं भाई का नाम दिया, तेरा नहीं लिया। भाई बोलता ही नहीं। इतनी शदीद गर्मी दे वेच, इतनी मेहनत करनी बड़ा मुश्किल काम है। तो वेख लो कि ना ये धुप दे वेच असी करना होंदा जिस तरह असी पिंडा थावां वाले इस तरह ही ना पिंडा थावां दे विचों ही काम करके ना इत्थे ही साडी रोजी लिखी होंदी। इत्थों ही असीं कमाने आ, इत्थों ही असीं खाने आ। वेखो जिस तरह ना बिलावल दे अबू छान रहे ना इस तरह करके ना आ सोटा मारी जाईदा है। थले थले ना थले सारा बीज निकल जाता तिल के सोटी मरीदी तो सारा थले फलिया निकल जाता थले डिग पा। लेकिन यह भी मुश्किल काम हों, पहले इन्होंने कटाई करनी होंगी है। कटाई करके इस तरह गुटे ला छी देने उस तो बाद जो सुक जाते हैं हट के जिन्हें कटाई करनी होंगी है उन्ना ही हट के छाण के भी देने होंगे ने। गर्मी बहुत ज्यादा है तो बच्चों ने बिठावन वास्ते ना नाल चारपाई का इंतजाम करके लिया हो। सारे प्यास लगी है तो आ डोल ना मैं पानी का टूवल तो लैन जाऊँगा क्योंकि नाल दूसरा पानी नहीं सी। तो पहला पानी खत्म हो गया, मैं क्या चल डोल भर के मैं पानी का लैके आनी हाँ नाल आप भी पी आवेंगे क्योंकि आपनों भी काफ़ी प्यास लगी हुई है। तो कोई थोड़ी देर रेस्ट करांगे उस तो बाद फिर हट के उस तरह लग जावेंगे क्योंकि सारा मुकम्मल करके ही शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शाम तो अगे फिर नवा देखांगे कि हाँ दवाइया वगैरह पैन वाली ने कि दवाई मिल गई या कितने कपाह चुगन वाली मिल गई। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करद्या ही जाना है क्योंकि ना कोई ना कोई कोई ना कोई काम तो मिलता ही रहा। गरीब बंदे की यही रूटीन होंगी है रोज़ की। अल्लाह ताला ने जो मुश्किल हालात बनाए ने तो वो अल्लाह ताला दूर करेगा। अल्लाह ताला मदद एक दिन जरूर करेगा क्योंकि ना ये काम तो बहुत मुश्किल ने। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करने नाल नाल चाहिए ने क्योंकि बच्चों नू रोज़ी कमा के खवाने वास्ते इंसान सारा दिन हाथ मारदा है। सुबह उठी दा नमाज पढ़ी दी, नमाज तो बाद इचना
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇਬੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਸਾਫ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਬੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਜਰਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਿਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੇਰੜਾ ਵੇਖੀ ਉੱਡਦੀ ਯਾਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਣਾ ਲਾਣਾ ਪਊ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਆਣੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।